वैसे ट्रेन का सफर किसे नहीं पसंद होता है, तो ऐसे ही आज हम लोग निकल चुके हैं कोणार्क एक्सप्रेस की यात्रा में। वैसे इस यात्रा को शुरू करने के लिए पहले मैं बेंगलोर से गुलबर्गा आया था, गुलबर्गा से वापस पुणे गया और पुणे से पकड़ी है कोणार्क एक्सप्रेस। ये तो बस इस आने वाली यात्रा की कुछ झलक है जिन्हें आप देख रहे हो स्क्रीन पे। हाँ, वैसे आप लोग की रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी कि भाई म्यूज़िक नहीं चाहिए, कोई भी म्यूज़िक नहीं चाहिए बैकग्राउंड में, तो हाँ आज इस जर्नी में कोई भी म्यूज़िक नहीं होने वाला है। कंप्लीट ट्रैक साउंड, सभी चीज़ें जो ट्रेन से रिलेटेड है आप नेचुरली इन्जॉय करने वाले इस वीडियो में। कोई भी म्यूज़िक, कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल नहीं है। पूरा इन्जॉय करिएगा इस वीडियो को और एकदम ऐसा एक्सपीरियंस लीजिए जैसे आप खुद मेरे साथ यात्रा कर रहे हो। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं पुणे जंक्शन से। दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं आज का हूँ पुणे में और आपको बताऊँ 5:50 हो रहा है, 6 बजे की अपनी ट्रेन है और लेट पता है क्यों हुआ? ये देखो आगे हाल, पूरा ट्रैफिक है यार, दूर दूर तक पूरा गंदा ट्रैफिक लगा हुआ है। मैं तो उतर गया है इसलिए। मल्हार भाई मेरे को छोड़ने आए थे लेकिन कट टू कट की बात है, इसलिए मैं पहले प्लेटफॉर्म जा रहा हूँ, वो गाड़ी को पार्किंग में लगा के फिर प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो ये रहा देखो स्टेशन, चलते हैं अंदर। सनसेट बहुत ही खूबसूरत हो रहा है वैसे यहाँ पर, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही गाड़ी आ रही है, यहाँ पर डिस्प्ले में मैंने पहले ही देख लिया। स्टेशन के बाहर देख लो आपको ऐसे खाने पीने की लाइन से दुकानें मिल जाएंगी और भीड़ भी ज़बरदस्त आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डिस्प्ले में यहाँ पे लिखी हुई है गाड़ी, ये ब्रिज के ऊपर से ही दिख गया था अपने को कि कोणार्क आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। शाम के टाइम पर यहाँ पर आप भीड़ देख लो क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर छूटती हैं शाम के टाइम में पुणे से, तो भाई यहाँ पर नॉन स्टॉप भीड़ जो है वो लगी रहती है। बाकी डिस्प्ले यहाँ पे है, आप देख सकते हो आपकी कौन सी ट्रेन है और कौन सा प्लेटफॉर्म वगैरह में आ रही है। और अगर ट्रेन का वेट कर रहे हो तो वेटिंग एरिया ऐसे कुछ दिया हुआ है। बाकी ये जो यहाँ पे आपको भीड़ दिख रही है ये लाइन ऑलरेडी लगाए हुए हैं क्योंकि पुणे दानापुर एक्सप्रेस शाम के समय में यहाँ से खुलती है, तो उसके लिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है पहले से। देख लीजिए मुंबई के लिए देख लो, यहाँ पर इंटरसिटी निकल चुकी है, ये काफ़ी फास्ट कनेक्टिविटी है, पहले ये शताब्दी हुआ करती थी और अभी ये उसी की टाइमिंग में एक इंटरसिटी एक्सप्रेस बन के चलती है। कोणार्क का नंबर डिस्प्ले हो गया है, कोच पोजीशन हो गई है और अपना A1 कोच लास्ट में रहने वाला है। यहाँ पे कोणार्क एक्सप्रेस के लिए ना भीड़ बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। और यहाँ पे पुणे एर्नाकुलम के रेक शंट किए जा रहे हैं। और ये आई कोणार्क भी और इधर एंट्री हुई एल्को की भी। आज हम पुणे से बोर्ड कर रहे हो, पुणे का ही WAP-7 लेकर के जा रहा है ट्रेन को। अरे ओवरली पैक तो नहीं है, मतलब ठीक है, खाली खाली सा देखने को मिल रहा है, तो इसका स्लीपर जो, अरे वाह, तारीफ करते ही यहाँ पे देख लो, तोड़ रखा है लोगों ने, और बाद में कहेंगे कि रेलवे हमें सुविधा नहीं देता। पुणे आए थे, दिन बहुत बढ़िया था, दोस्तों के साथ यहाँ पे मुलाकात हुई, लंच हुआ, दगड़ू सेठ के दर्शन के लिए मेनली आए थे और मल्हार भाई MK ब्लॉग्स वाले भी हमारे साथ थे। थैंक यू आने के लिए, मल्हार नहीं होता तो आज मेरी गाड़ी छूटती। मल्हार ने स्कूटी को सही समय पे पहुंचा दिया, कैसे पहुंचाए आप समझ ही जाओ, हम लोग फंस गए थे ट्रैफिक में पर जैसे तैसे यहाँ पे पहुंच गए, गाड़ी पकड़ ली। बट एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी आदमी पूरे से गाड़ी बोर्ड कर रहा है थोड़ा सा पहले 1 घंटे का मार्जिन लेना, हम तो 1 घंटा पहले ही निकले थे बट फिर भी वो जो एक रोड आता है लास्ट वाला पैच वहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहते हैं वहाँ पे। बाकी दानापुर के लिए यहाँ पे भीड़ जो है वो है और अपनी गाड़ी में जो भीड़ है वो समेट चुकी है। मिलते हैं आपसे डिपार्चर में, मात्र 5 मिनट का होल्ट यहाँ पे है ट्रेन का। पीछे पीछे अंदर आ जाओ।
ठीक है भाई, मिलते हैं फिर, रिव्यू करते हैं सबसे बेस्ट गाड़ी फूड के लिए। अगर एग्जाम नहीं होता तो फिर से आता है आपके साथ, करेंगे ट्राई एक बार, कोरमंडल करेंगे एंड टू एंड। बाय 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 बाय, थैंक यू। खाने पीने के काउंटर तो पुणे रेलवे स्टेशन में बहुत सारे हैं। अरे बच्चा वीडियो निकाल रहे हैं, बहुत सही भीड़ यहाँ पे देखिए आप। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की यहाँ पे देखिए मूर्ति भी एक बनाई गई है, ये अच्छा लगा देख करके। अब चलते हैं अंदर, सामान वगैरह को सीट पर रखा गया। ये भाई कोणार्क एक्सप्रेस का इंटीरियर, आज अपनी दरवाजे के पास वाली साइड लोअर, और गाड़ी साफ़ सुथरी है, ये चीज़ तो मैं कहूँगा। ये देख लो आप लोग, गाड़ी साफ़ सुथरी है। पूरे दिन पुणे भ्रमण किया है और थकान सी हो गई है। वैसे आज मैं कार्गो पहन के चल रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ आज ट्रैक पैंट चेंज कर लूँ, क्योंकि कल रात 12 बजे भुवनेश्वर पहुँचेगी। आप लोग भी जब ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो चेंज करते हो क्या, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, देखते हैं हुआ तो चेंज कर लेते हैं आज। साउंड आ रहा है ज़बरदस्त, डस्ट स्टॉर्म आया हुआ है, उससे आगे बारिश हो रही है। एक बारिश की स्मेल भी आ रही है और साथ साथ डस्ट भी यहाँ पहले से पता चल रही है, वो ना हो आगे शायद ये कहते हैं बारिश जरूर हो रही है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, जो है वो ढल चुकी है। ट्रेन के समोसे लिए हैं, ट्राई करने थे कि देखते हैं भाई कैसे हैं ट्रेन के समोसे। एसी का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है। तो ये रहे ट्रेन के समोसे और चाय, शाम के टाइम पे सोचा ट्राई कर लेते हैं। इस ट्रेन के खाने की बहुत तारीफ सुनी है, कुछ आज को ट्राई करके देखते हैं एक्चुअली में कैसा है। ये जो समोसे हैं ट्रेन के बने नहीं है, मैंने पूछा था, मुंबई से चढ़े हैं। जैसे होटल्स में मिलते हैं ना 10 में 20 रेटिंग वाले, वैसे समोसे हैं बहुत ज़ोरदार, लेकिन ठंडे हो गए। अगर मुंबई से आप चढ़ोगे तब गरम गरम चढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा यार। ये ट्राई ज़रूर करना अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करो। बाकी डिनर भी मैंने ऑर्डर कर दिया, इनके पास था ऑप्शन 80 वाली थाली, मैंने बोला तो बिना किसी चीज़ के 80 वाली थाली लेके आ रहे हैं बिना किसी बहस के, देखते हैं स्वाद कैसा होता है। अला कार्टा मेन्यू भी इसमें अब ट्रेन में लागू हो गया, उसमें अगर आप 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करोगे तो 250 ग्राम पनीर भी आपको मिल जाएगी। वो थाली 180 की होगी, लेकिन पनीर का क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होगा उसमें। चलिए इसे फिनिश करते हैं, डिनर में मुलाकात करता हूँ। फाइनली अपनी ट्रेन यहाँ पे दौन जंक्शन पहुँची है। वैसे तो 7:10 का यानी 7:10 PM का टाइम था, पर यहाँ टाइम देख लो थोड़ा सा डिले जो यहाँ पे हो गया। खाना पीना बेचने वाले लोग तैयार हैं यहाँ पे। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से आपको शिरडी कोपरगांव वाली जो लाइन है वो मनमाट की ओर जाती हुई मिल जाएगी। पुणे वाली लाइन तो जा ही रही है, साथ साथ यहाँ पे बारामती के लिए भी यहाँ से लाइन गई, जहाँ पहले रेल बस चला करती थी और अब यहाँ पे अपनी ब्रॉडगेज की ट्रेनें चलती हैं। बाकी यहाँ पे दौन जंक्शन आप देख लो अंधेरा है। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे बहुत मिल जाएंगी आपको, बिरयानी रोटी अंडे की चीज़ें सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी ट्रेन यहाँ पे थोड़े से डिले के साथ पहुँची है, अगला स्टॉप यहाँ से होने वाला अपना सोलापुर रात 10 बजे तक, फिर कलबुर्गी यानी गुलबर्गा, शाहबाद, वाड़ी, ये सब करते करते रात 3 बजे सिकंदराबाद, सुबह सुबह काजीपेट, दोपहर में मतलब 9:30 बजे तक विजयवाड़ा, और शाम तक विशाखापट्टनम। ऐसी कुछ चीज़ें इस रूट में आपको देखने को मिलेंगी, और रात में भुवनेश्वर, तो मज़ा बहुत आएगा इस जर्नी में। वीडियो एंड तक देखिएगा, समोसा खाने के बाद डिनर के लिए जो हमारी एक्साइटमेंट है वो बढ़ रही है, क्योंकि उम्मीद है कि खाना इसमें अच्छा मिलने वाला है। देखते हैं क्या होगा, मिलते हैं डिपार्चर में।
बाकी डॉन से भी 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ट्रेन अपनी निकल चुकी है। ट्रैक साउंड तो काफ़ी बढ़िया आ रहा है यार। आज के वीडियो में भी कोई म्यूज़िक वगैरह लगाने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोग की डिमांड आती है कि ट्रैक साउंड सुनना है, ट्रेन की पूरी फीलिंग चाहिए। तो भाई देख लो, कोई म्यूज़िक कुछ नहीं रहेगा इस वीडियो में, पूरा ट्रैक साउंड आप लोग इन्जॉय करिए। ये अपना डॉन डल बाकी यहाँ पे ऑर्डर किया था, तो ट्रेन की थाली जो है वो आ चुकी है। बाकी अभी अपनी ट्रेन कुर्दवाड़ी जंक्शन को स्किप कर रही है, स्टॉप यहाँ पे नहीं दिया गया है। और लंबी दूरी की गाड़ी है शायद इस वजह से यहाँ पे हॉल्ट नहीं दिया गया है। बाकी नॉन सुपरफास्ट ट्रेन है तो स्टॉप तो होना चाहिए था। जंक्शन इसलिए कुर्दवाड़ी क्योंकि यहाँ से पंडरपुर के लिए लाइन गई हुई है, साथ साथ लातूर के लिए भी सीधा लाइन गई हुई है, जहाँ से आप पूर्णा परवानी वाले रूट में बढ़ सकते हो, साथ साथ पंडरपुर वाले रूट से मिराज के लिए भी बढ़ सकते हो। बाकी ट्रेनों में खाना कैसे मिलता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहाँ देख लो, कोणार्क में खाना आपको एक ट्रे में सर्व किया जाएगा। कोई भी चीज़ आप लेंगे आपको ट्रे में सर्व की जाएगी, रोटी और यहाँ पे देख लीजिए चावल हैं, ये 80 रुपये का खाना है। आप देखिए दाल है यहाँ पे, एक मिक्स वेज की सब्ज़ी है, पनीर तो खैर 80 रुपये में आपको नहीं मिलेगा, मिक्स वेज दाल और यहाँ पर आपको रोटी चावल और दही ज़रूर इसमें मिलने वाला है। देखते हैं टेस्ट कैसा है। मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट थी इसके डिनर को ट्राई करने के लिए, और मतलब देख के और इसके स्मेल से लग तो रहा है बढ़िया होगा। कोणार्क की बहुत तारीफ सुनी है खाने के लिए मैंने। रोटियां तो महाराष्ट्र स्टाइल है, पोली जिसे कहते हैं, सब्जी लेकिन मिक्स वेज की बहुत बढ़िया है, आलू बीन जो सब्जी मिली सब डाला हुआ है। दाल भी बढ़िया लग रही है, दाल में भी प्याज या लौकी कुछ तो पड़ा हुआ है। अचार का पैकेट, दही ये भी मिला हुआ है। कोणार्क में अगर आप खाना ले रहे हो तो खाना आपको ऐसे थाली में ही सर्व किया जाएगा, आपको वैसे नहीं मिलेगा कि दाल चावल सब मिक्स पहले से ही हो रहा है, ऐसे आपको मिलेगा। और खाना इसका वाकई में जोरदार तो है, मानना पड़ेगा, एकदम बढ़िया खाना आपको मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि सोलापुर वगैरह में हॉकर्स नकली ऑर्डर लेने के लिए आते हैं, पेंट्री वाले से ही आपको खाना लेना है, बाहर से किसी आपको खाना नहीं लेना है। 10 बजे तक आता है सोलापुर, पहले ऑर्डर लेने आएंगे वो मत कीजिएगा, ट्रेन का खाइए, शुद्ध खाइए। एक और फ़ायदा ये होता है ट्रेन का खाना ऑर्डर करने से कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, शिकायत दर्ज करवा सकते हो अपनी। बाहर का खाना हुआ तो आप किसी की कंप्लेंट नहीं कर पाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए फिनिश करते हैं इसे, जल्दी मुलाकात करता हूँ आपसे। बाकी फाइनली अपनी ट्रेन सोलापुर में आ चुकी है, 9:50 का टाइम था, .950 पुणे का एक और WAP-7 यहाँ देखने को मिला है। और सामने यहाँ पे है सोलापुर मुंबई सिद्धेश्वर एक्सप्रेस WAP-7 के साथ पुणे के। सिद्धेश्वर महाराज के दर्शन करना चाहते हो तो आपको सोलापुर आना पड़ेगा, सिद्धेश्वर एक्सप्रेस भी यहाँ पे खड़ी हुई है। बाकी यहाँ पे आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी करवा सकते हो अगर आप लोग IRCTC की ई केटरिंग से खाना ऑर्डर कर रहे हो। बाकी ट्रेन का खाना बहुत ही बढ़िया, आप ट्रेन का खाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं तो रिकमेंड करूँगा। खाना पीना बहुत बढ़िया था यहाँ पे, देख लो ट्रेन रुकने वाली है 10 मिनट के लिए, आपको अच्छा खासा हॉल्ट मिल जाएगा। सोलापुर से बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, बहुत सारे रूट्स के चलती हैं, तो कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं। मेरी बात किसी को बुरी लगे यहाँ के लोगों को, पर सोलापुर के जो रेलवे का सेक्शन है मैं उसकी बात करूँगा, शहर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है,
रेलवे के सेक्शन में चोरियां बहुत होती हैं, तो आपको ख्याल रखना है। रेलवे का स्टाफ हो, चाहे ट्रेन के टीटी हो, चाहे कोच का टेंडर हो, चाहे आरपीओ हो, सब सतर्क करते हैं कि भाई यहाँ चोरी बहुत होती है। इनफैक्ट गोल गुंबज एक्सप्रेस में जब मैं ट्रैवल कर रहा था ना, तो मेरे साथ भी लगेज सेफ था, चार्जर वगैरह चोरी हो गए थे, लगभग 8-9 हज़ार का नुकसान हुआ था। ये चीज़ आपको याद होगी। तो यहाँ के बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, ऑफेंड हो गए थे कि आप सोलापुर के लोगों को चोर कह रहे हो, यहाँ के लोगों को ऐसा कह रहे हो वैसा कह रहे हो, पर ऐसा नहीं है भाई। मैं यहाँ के लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, स्टेशन में जो चीज़ होती है उससे सतर्क रहने की आप लोग को सलाह दे रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, और जो मैं लोगों से सुन रहा हूँ वो भी सिखाऊंगा। यहाँ के लोगों की बुराई मैं क्यों करूँगा, यहाँ के लोगों से मुझे प्यार है, तभी मैं यहाँ की ट्रेन जर्नियाँ करता हूँ, स्टेशन को दिखाता हूँ, वरना मैं तो सो जाता सोलापुर आने पे। जब भी होता है सोलापुर दिखाता हूँ, सोलापुर की चीज़ें दिखाता हूँ। बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, साफ सफाई देखो, कितना बढ़िया रेलवे स्टेशन है, चमचमा रहा है यहाँ पे। बट हाँ, सतर्क रहना, चोरियों से बचना, ताकि आपका सामान आपके साथ सुरक्षित डेस्टिनेशन तक भी पहुँचे। बाकी मिलते हैं डिपार्चर में आपसे। चेन्नई एगमोर मुंबई एक्सप्रेस यहाँ पे आज की है, उसके लिए भी देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है। ट्रेन अपनी 5 मिनट के हॉल के बाद निकल चुकी है। अगर सोलापुर घूमने आ रहे हो तो यहाँ की बेडशीट ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी फेमस होती है, और सिद्धेश्वर बाबा के दर्शन तो आप करोगे, और महानंदा डेयरी से जरूर कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हो। चेन्नई एक्सप्रेस तो यार काफ़ी साफ सुथरी ट्रेन लग रही है यहाँ पे। खाने पीने की बात करूँ ना, तो अपना कोच लास्ट में इसलिए ज़्यादा कुछ दिख नहीं पाता है, पर यहाँ पे वड़ा पाव वगैरह सब आपको मिल जाएगा, और ताक भी मिल जाएगी यानी छाछ, तो उसे ज़रूर ट्राई कर लेना, वो भी साफ सुथरी मिल जाती है यहाँ पर। सिद्धेश्वर तो काफ़ी लंबी है, लेकिन उसके बाद भी पैक चलती रहेगी मुंबई के लिए। सुपर फास्ट है सिद्धेश्वर, और उद्यान उतनी ही धीरे है। बाकी गुलबर्गा इसका अगला स्टॉप होने वाला है, 11:15 के आसपास आता है। गुलबर्गा का हाल और वहाँ पे कोणार्क का अराइवल सब कुछ मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि सिकंदराबाद आएगा रात में 3 बजे और काजीबेट सुबह 5:30, और 3 दिन से लगातार ट्रैवल जो है वो चल रहा है। अब रेस्ट करते हैं, सेक्शन तो अपना रिपीट है, और सुबह मुलाकात करते हैं आपसे विजयवाड़ा से पहले, जहाँ नींद खुलेगी, और कंटिन्यू करेंगे जर्नी को। अपनी जर्नी आज भुवनेश्वर तक होने वाली है। चलिए, गुड नाइट। जो लोग गुलबर्गा से हैं भाई, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर। ये रहा आपका शहर, और यहाँ काफ़ी डीले के साथ हम लोग पहुँच रहे हैं। चलिए स्टेशन चल के बात करते हैं। मैंने कलबुर्गी में ही काटा था, मैं आया था बैंगलोर से यहाँ वंदे भारत में 10:30, फिर रात 1:30 बजे तक मैं यहीं पे था। स्टेशन में ज़मीन में भी बैठा हूँ, टाइम भी काटा है, बाहर भी गया था घूमने, बहुत सारी चीज़ें की है कलबुर्गी में। बहुत यादगार दिन था वो, बहुत सारी ट्रेनों ने स्किप किया था प्लेटफॉर्म को, कोणार्क एक्सप्रेस का अराइवल डिपार्चर सब कुछ कल देखा था हमने। वैसे इसका अराइवल टाइम है यहाँ पे 11:15 का, और 3 मिनट का हॉल्ट टाइम है, पर आज ट्रेन अपनी लेट पहुँची है। देख लो टाइम आप लोग, यहाँ पे 11:47 के आसपास यहाँ पे पहुँची है। अच्छा खासा डीले देखने को मिला है आज यहाँ पे, पर अब इसके बाद के जो स्टेशन है मैं नहीं कवर कर पाऊँगा, बहुत थकान हो रही है। अब हैदराबाद यानी सिकंदराबाद अपना रात में 3:20 के आसपास आएगा, सुबह काजीपेट और विजयवाड़ा 9:40 तक। तो देखते हैं कहाँ नींद खुलती है, वहाँ से रिकॉर्डिंग चालू करेंगे। बाकी मिलते हैं डिपार्चर पे। अभी जो लोग गुलबर्गा से हो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लिख करके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें खास है। वैसे मैं आज का हूँ यहाँ पे, और इनका जो बुद्ध विहार वगैरह है वो सभी चीज़ें मैं देख चुका हूँ। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के पास रह चुका हूँ, दोस्त का घर है मेरे यहाँ पर, तो मैं वहाँ पर रहा हूँ। लेकिन जो लोग यहाँ से हो जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगा। कृपया ध्यान दीजिए, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से आने वाली भुवनेश्वर को जाने वाली मुंबई।
कल भी ज़बरदस्त एक्सेलरेशन देखने को मिला था प्लेटफॉर्म में, और आज भी देखिए रफ्तार पकड़ ली कोनार ने। कल यहाँ पे ज़मीन में मैंने समय काटा है जहाँ ये लोग सो रहे हैं। ये बेंगलोर वाली वंदे भारत का रेक खड़ा होता है, देखिए आज भगवा रेक है या आज ही ब्लू एंड वाइट वाला है। देखा आज भगवा रेक है। रफ्तार देख ली, अब मेरी आंखें भी देख लो, मुझे नींद आ रही है। सोते हैं, कल सुबह मुलाकात करते हैं। गुड नाइट। एकदम सुबह सुबह जब मेरी नींद खुली तो ट्रेन वरंगल को पार कर रही थी बस, लेकिन रिकॉर्ड करने के हालत में नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कुछ यादें ज़रूर आपके लिए कलेक्ट कर लूँ यहाँ से। तो सामने तिरनेल वैली बिलासपुर एक्सप्रेस खड़ी हुई थी जो कि अपने समय से 20 मिनट की देरी से थी, और वंदे भारत जस्ट हमारे पीछे पीछे चल रही थी जो कि नई खुली है सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए। सामने से तमिलनाडु एक्सप्रेस की भी अनाउंसमेंट हो रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ हो रही थी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपनी ट्रेन निकल चुकी थी। हाँ, एक चीज़ है कि सुबह सुबह से ही चाय चाय की आवाज़ से जो आपकी नींद है वो खुल जाएगी, पर वो आपके ऊपर है किसी के कोच में से कंटिन्यू करना चाहते हो या उठना चाहते हो। अगर गर्मा गर्म नाश्ता इन्जॉय करना है तो सुबह सुबह आपको उठना ही पड़ेगा, और ट्रेन और सनराइज़ दोनों अगर एक साथ मिलते हैं ना तो एक अलग ही कॉम्बो है। हाँ दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है और हम लोग विजयवाड़ा की ओर बढ़ रहे हैं। वरंगल ट्रेन ने पार किया, जब मैं सो के उठा ना ट्रेन वरंगल से निकल रही थी, मैं पूरा नींद में था पर सनराइज़ देख करके अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ तिरनेल वैली बिलासपुर एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, उसको भी देखा भाई, लेकिन जब सो के उठा था ना तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, चीज़ें देखी और बाकी फ्रेश अप होने के बाद अब अच्छा लग रहा है। एक चाय और मिल जाती तो दिन पूरा खुल जाता। बाकी ट्रेन 130 की रफ्तार में नॉन स्टॉप भाग रही है यहाँ पे, अभी बहुत अच्छा लगा, मतलब कोनार की जो पंक्चुअलिटी है रफ्तार देख करके बहुत अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं जल्दी, अभी वंदे भारत शायद हमें ओवरटेक करेगी जो कि विशाखापट्टनम की ओर जा रही है। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन पहुंच रही है महबूबाबाद रेलवे स्टेशन में, और ट्रेन का यहाँ भी हॉल्ट दिया गया है। वंदे भारत में लगता भी यहीं पे ओवरटेक करेगी, और हमारी ट्रेन में जो ब्रेकफास्ट सर्विस है वो सुबह शुरू हो गई, जिसमें इडली वड़ा, उपमा, कटलेट ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। सोचिए सुबह सुबह से वंदे भारत यहाँ पे आ चुकी है ओवरटेक के लिए, जैसा कि हमने उम्मीद लगाई थी यहीं पे ओवरटेक होगा। एक्सप्रेस भी हो सकती है, आंध्र प्रदेश भी।
विशाखापट्टनम के लिए रिवर्स वंदे भारत जो ओवरटेक कर दी गई है। सीजन तो आ चुका है यहाँ पे और पेड़ों में लगे भी हुए हैं भर भर के आम। मजा आने वाला है इस सीजन, देख लीजिए बहुत सारे आम लगे हुए हैं। निकल रही थी दोरनकल जंक्शन को स्किप कर रही थी पर यहाँ पर रुक गई है, सिग्नल नहीं दिया गया है। दोरनकल से मानुगुरु के लिए लाइन गई हुई है, बाकी काजीपेट वाली लाइन से तो हम लोग आ ही रहे हैं। ये देख लो कोणार्क एक्सप्रेस अपनी। देख लो यहाँ पे खम्मम हम लोग पहुँचे हैं 8:10 पर और 7:20 का अराइवल टाइम था। इसमें सेक्शन रात में निकला था, कवर नहीं किया था, लोगों ने बहुत सुनाया था भाई आपने हम जानबूझ के हमारा खम्मम वरंगल वाला सेक्शन नहीं दिखाया। देखो जितना हो सकता है पॉसिबल ना, जितना जगते हैं उतना ज़रूर कवर करते हैं और कुछ स्टेशन एफर्ट लेकर के एक्स्ट्रा भी कवर करते हैं, तो उसी में से है ये। वैसे इस बार इस जर्नी में दिन में आ रहा है, किस जर्नी में रात में आएगा तो वैसे बात है मिस होगा। कोशिश करता हूँ नॉर्मली मैं कि 12 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए सोऊं और उसके बाद जो स्टेशन आ रहे हैं वो मैं दिखा पाऊँ। अब उस स्लॉट में कोई स्टेशन फंसेगा तो वो मिस हो जाता है। अब जैसे आज हैदराबाद जो कि बहुत बड़ा स्टेशन है पर मिस हुआ है। यहाँ पर अपनी कोणार्क एक्सप्रेस खड़ी हुई है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है विजयवाड़ा। ट्रेन 40 मिनट लेट हो चुकी है, 9:30 9:40 का टाइम था विजयवाड़ा में पर अब लगता है 10:10 10:15 तक पहुँचेगी। यहाँ पर इस ट्रेन में पत्थर जा रहे हैं बड़े बड़े, ये देखिए पहली बार मैं देख रहा हूँ ट्रेन में पत्थर। और वहाँ जा रही है सतवाहना एक्सप्रेस विजयवाड़ा से सिकंदराबाद के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 12713। ट्रेन और ट्रेन में होने वाले डिस्कशन सब अनोखे ही होते हैं। अभी अंदर पानी की वजह चल रही है। तो सतवाहना एक्सप्रेस में पैंट्री कार भी है छोटे रूट की गाड़ी होने के बावजूद, और यहाँ लंबे लंबे रूट में चलने वाली ट्रेनों में पैंट्री कार नहीं होता है। एक चीज नोटिस की, इसका अनरिजर्व ज्यादा खाली है कंपेयर टू रिजर्व क्लास। रिजर्व क्लासेस तो पूरे पैक हैं और अनरिजर्व में बहुत स्पेस है बैठने के लिए, पूरा रिलैक्स अनरिजर्व क्लास तो। और हम भी निकल चुके हैं खम्मम से। वरंगल में भी देखा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, खम्मम में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन में चल ही रहे। लोग खम्मम से हो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ अपने शहर की कुछ खास बातें, और इडली वड़ा तो यहाँ मिलता है उसके साथ यहाँ पे क्या चीज़ फेमस है खाने की। कभी मौका लगा यहाँ आए तो कुछ खाने के लिए चीज़ें घूमने के लिए चीज़ें पता होनी चाहिए। इतनी नॉन स्टॉप चल रही है और यहाँ पे ट्रेन का आ चुका है उपमा वड़ा, देखते हैं स्वाद कैसा है इसका।
ये जो ब्रेकफास्ट आया है ना, ये देखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि मतलब क्या बताऊँ मैं, टेस्ट करने का मन कर रहा है। ट्रेन की चाय तो ट्रेन की चाय जैसी ही होगी, उसके लिए मैं क्या ही तारीफ करूँ। इंडियन रेलवेज में सुधार तभी होगा जब चाय अच्छी मिलेगी। जब तक 10 रुपये की चीज़ अच्छी नहीं मिलती, मैं नहीं मानता हूँ कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ या सुधार आया है। माँ बहुत सॉफ्ट है, लाजवाब है। पता किया मैंने तो बताया भैया ने कि ये ट्रेन में पैंट्री में बना नहीं है, सुबह सुबह चढ़ाया जाता है। टेन ऑन टेन रेटिंग वाला उपमा है, बहुत स्वादिष्ट है। मेन चीज़ क्या, सॉफ्ट है और ना ज़्यादा स्पाइसी ना ज़्यादा मसाले, कुछ स्वाद बहुत बढ़िया है। देखो इंडियन रेलवेज अब बने बनाए ट्रैक पूरे पूरे यहाँ पे बिछाएगी, नई टेक्निक है, इस एरिया में पूरे में ट्रैक बिछाए जाएंगे। इस रूट में नज़ारे भी आपको बहुत खूबसूरत देखने को मिलेंगे, विजयवाड़ा तक और विजयवाड़ा से आगे भी बहुत सुंदर है रूट। जो लाइन आपको आती दिख रही है ना, ये आ रही है हावड़ा से, भुवनेश्वर से, विशाखापट्टनम से, और हम लोग विजयवाड़ा जंक्शन पहुंच रहे हैं।
अभी इसी लाइन में हम लोग वापस जाएंगे, यहाँ पे हमारा लोकोमोटिव रिवर्सल होगा, देखते हैं प्लेटफॉर्म किस तरफ आएगा। विजयवाड़ा अराइवल टाइम था और 9:40 पे ट्रेन अपनी आई है यहाँ पे विजयवाड़ा जंक्शन पे। बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ पे आपको केले वगैरह फल तो मिल जाएंगे स्टेशन में, अंगूर संतरे वगैरह भी अवेलेबल है। विजयवाड़ा जंक्शन में आपको खाने पीने के लिए फल वगैरह मिल जाएंगे, इडली वगैरह मिल जाएगी, और मेन चीज़ पता है क्या, यहाँ पे छाछ और कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। बाकी यहाँ पे हमसे मिलने मुकेश भाई भी आए हैं, हमेशा आते हैं विजयवाड़ा में। आज भी मना किया था मैंने भाई को खाना लेकर आने के लिए, क्योंकि गाड़ी का खाना बढ़िया है, लेकिन हाथ देखो तो लाया ना, भर के लेके आए, मतलब चार आदमी का खाना। लेकिन आज मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, चलेगा आज के दिन और कोई। और ये गाड़ी की जो जर्नी हमारी भुवनेश्वर तक ही है, ये बात है मेन चीज़। बाकी ट्रेन में मैंने पैंट्री का खाना भी दोपहर का ऑर्डर कर दिया है, तो सभी चीज़ आपको दिखाएंगे। बाकी मुकेश भाई कैसे हो, गर्मी बढ़ा दी यार विजयवाड़ा में, इस साल ज़्यादा पड़ रही है ना, ज़्यादा अभी से 40 के ऊपर चल 40। अरे भाई 40 के ऊपर की विजयवाड़ा और ये जो एरिया है ना पूरा अपना आंध्रा वाला, बहुत गर्म होता है, और अब गर्मियों में तो मज़ा आने वाला है भाई, इसका जो नेक्स्ट लेवल होने वाला है टेम्परेचर। बाकी लोकोमोटिव का रिवर्सल होगा वो लेके आते हैं। उसके पास आपको समोसे वगैरह बहुत बढ़िया केले वगैरह यहाँ मिल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ ख़राब क्वालिटी का बिक रहा हो, और ये रही छाछ देखो सब बिक रहा है यहाँ पे। बाकी रिवर्सल देख लो यहाँ पे, तुरंत ही यहाँ पे अगला लोकोमोटिव भी तैयार है विजयवाड़ा शेड का, वो लगाया जाएगा अभी ट्रेन में अपनी। सामान उतारा जा रहा है और यहाँ पे लोकोमोटिव रिवर्सल के लिए यहाँ पे नया लोकोमोटिव रिवर्सल के बाद लगा दिया जाए उसका ट्रेन में। अगर रूट्स की बात करूँ ना, तो आप यहाँ से चेन्नई गुंटूर तिरुपति वाली लाइन की ओर बढ़ सकते हैं, गुंटूर वाली लाइन की ओर भी आप जा सकते हो, यहाँ से हैदराबाद वाली लाइन, दिल्ली वाली लाइन तो आपने देखी जिससे भी हम लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ से आपको हावड़ा भुवनेश्वर विशाखापट्टनम वाली जो मेन लाइन है वो मिल जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर जंक्शन हो जाता है, बहुत ही बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड है यहाँ पे, इंडिया के बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में आता है और कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो ना तो सनसेट वगैरह देखने के लिए कृष्णा नदी किनारे ज़रूर जाना, जगह बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे दूसरी वंदे भारत भी जो कि विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के लिए जा रही है वो भी आज की है। इसमें हम लोगों ने इनॉग्रेशन में ट्रैवल किया था, जब इसका उद्घाटन हुआ था तो सिकंदराबाद से विजयवाड़ा तक ट्रैवल किया था, और बहुत ही अच्छी इसमें पैट्रनेज मिली है, यात्री हमेशा इसे प्रेफर करते हैं सूट पे, इसलिए रिवर्स वंदे भारत भी खोली गई थी। आज सुबह जो आप लोगों ने ऑरेंज वंदे भारत देखी थी ना, उसके रिवर्स एक्शन में खोली गई, क्योंकि ये वंदे भारत पूरी पैक चलती है इस रूट पर। विजयवाड़ा में बिरयानी हो, खाने पीने की चीज़ें हों, फल वगैरह हों, स्नैक्स आइटम हो, सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। ट्रेन हमारी अभी भी खड़ी हुई है क्योंकि वंदे भारत को भी आगे आगे निकाला जा रहा है सिकंदराबाद की ओर। बाकी खाने पीने की वैरायटी देखो, हर कोच के आगे आपको मिल जाएगी। मिलते भाई, ठीक है, थैंक यू भाई। मुकेश भाई आया तो बहुत अच्छा लगा, और फाइनली अपना डिपार्चर भी हो चुका है यहाँ से। लगभग आधे घंटे ट्रेन रुकी है आज विजयवाड़ा जंक्शन में। अभी आप लोग गेस करो सामने कौन सी ट्रेन आ रही होगी प्लेटफॉर्म एक पर, मुझे तो ये कोरमंडल लग रही है वैसे इसके बोर्ड के हिसाब से। तो ये सांतराघाटी तिरुपति वीकली और विजयवाड़ा से हम लोग निकल चुके हैं फाइनली। सांतराघाटी तिरुपति स्पेशल एक्सप्रेस,
सामने तरफ जो लाइन जा रही है ना, ये जा रही है सिकंदराबाद, नागपुर, दिल्ली, भोपाल, उस तरफ हम लोग हावड़ा, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम वाली लाइन पर पड़ रहे हैं। और जो पीछे तरफ लाइन जाती है वो सभी गुंटूर और चेन्नई लाइन बाकी रूट्स ले जाती हैं। మరి ఎదర్ జనరల్ అయిన ఎక్కువ ఎదర్ జనరల్ వచ్చేవాడు ఎలిపోయింది లాక్ మంది తెలకో ఉన్నది కోనర్కు నాకేం తెలుసు. నేను ఇప్పుడు చూస్తే ఏళ్ళో ఇది చూపిస్తుంది, అదేమో ఆవిడ ఉత్తర గ్యాప్ చూపిస్తుంది. ఇదేంటి తెలిపోయింది एक्सप्रेस में विजयवाड़ा में इस जर्नी को एंड करते हैं। नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा जहां पर आप विजयवाड़ा से भुवनेश्वर तक की जर्नी देखोगे। और यहां तक बहुत रिकॉर्डिंग कर ली हमने, मैंने ध्यान नहीं दिया, रात के भी स्टेशन हो गए, दिन के भी हो गए। तो अब अगले पार्ट को और डिटेल में बनाते हैं। अब आपको कोस्टल रीजन पूरा देखने को मिलेगा, विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम फिर भुवनेश्वर तक का सफर अगले वीडियो में। यहां तक की जर्नी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। मिलते हैं जल्दी नई जर्नी के साथ और ऐसे एक्सप्लोर करेंगे कोस्टल रीजन को। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।